बैकएंड डेवलपर्स कैसे बने, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे बैकएंड डेवलपर्स यदि आपको बनना है, बैकएंड डेवलपर्स के लिए आपको क्या क्या चीजें सीखनी होगी, बैकएंड डेवलपर्स के लिए आपको कितने टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट है, बैकएंड डेवलपर्स के लिए आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, बैकएंड डेवलपर्स के लिए किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, और बैकएंड डेवलपर्स के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है। ठीक है, बैकएंड डेवलपर्स में इतनी सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको बैकएंड डेवलपर्स के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये सभी ही बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊं। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे नाम बैकएंड डेवलपर, तो ये भैया ये बैकएंड डेवलपर होता क्या है? बैकएंड और फ्रंट एंड दो चीजें होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस के अंदर के कंपोनेंट्स के पार्ट में। तो फ्रंट एंड मतलब जो आपको विजुलाइज होता है, जो आपको डिस्प्ले होता है उसे फ्रंट एंड बोलते हैं, और बैकएंड मतलब जो आपको नहीं दिखता है, मतलब जो आपसे हिडन होता है उसे क्या बोलते हैं? बैकएंड प्रोग्रामिंग बोलते हैं या बैकएंड बोलते हैं। जैसे मैं कार की बात करूं तो कार के अंदर जैसे आप कार देखते हो तो कार का फ्रंट एंड आपको दिख रहा है, पर कार का जो बैकएंड होता है ना वो मैकेनिक को ही दिखता है, आपको नहीं दिखता। जब आप कार शोरूम के अंदर लेके सर्विस रूम के अंदर लेके जाते हैं तो वहां पर जो सर्विस जहां सर्विसिंग के लिए जब आप कार को लेके जाएंगे तो वहां पर कार के अंदर जो मैकेनिक होगा वो पूरा उसका बैकएंड का पार्ट चेक करेगा कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? बैकएंड के अंदर आता है। तो मतलब शोरूम के अंदर जो खड़ी कार है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फ्रंट एंड रिप्रेजेंट कर रही है। और कार सर्विसिंग के लिए जो सर्विसिंग रूम है या जो सर्विस सेंटर है कार का वो क्या रिप्रेजेंट करती है? बैकएंड रिप्रेजेंट करती है। आप इस तरीके से एक एग्जांपल से आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब बैकएंड एक्चुअली किसको सीखना चाहिए? तो देखो, अब आज के डेट में आईटी में बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आईटी इज ओपन टू ऑल। कुछ कंपनियों को छोड़कर के बाकी सभी कंपनियों में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बीटेक या बी होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, तभी आप आईटी कंपनी के अंदर जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप बैकएंड डेवलपर्स बन सकते हैं। अब बैकएंड डेवलपर्स के लिए प्रोग्रामिंग में कौन सी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी? तो बैकएंड डेवलपर्स में प्रोग्रामिंग डिपेंड करता है कि आप को पर्टिकुलर किस टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बैकएंड के अंदर मोबाइल डेवलपर्स में यदि जाना है आपको, तो इसके लिए फिर आपको एपीआई से रिलेटेड बैकएंड डेवलपर्स की प्रोग्रामिंग सीखनी है, और यदि आपको वेब से रिलेटेड बैकएंड डेवलपर्स बनना है तो उसके लिए आपको कुछ अलग प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। यदि आपको डेस्कटॉप वर्जन या सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर बैकएंड डेवलपर्स बनना है तो सॉफ्टवेयर सिस्टम इंडस्ट्री का पूरा सिनेरियो आपका डिफरेंट होता है। मतलब बैकएंड डेवलपर्स के तीन कैटेगरी हो गए। पहला कैटेगरी क्या हो गया आपका? वेब बेस्ड बैकएंड डेवलपर्स। दूसरा कैटेगरी हो गया मोबाइल बेस्ड बैकएंड डेवलपर, और तीसरा हो गया आपका डेस्कटॉप या एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ड बैकएंड डेवलपर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वेब बेस्ड के लिए। तो वेब बेस्ड के लिए सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी यदि आज के डेट में कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे अभी भी जावा ही है। सबसे ज्यादा आपका बैकएंड डेवलपर्स में जो डिमांड है वो किसकी है? मैं ऑल ओवर की बात कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ 2 या 3 साल के मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, जब से टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है तब से बात कर रहा हूं कि फर्स्ट नंबर पे बैकएंड डेवलपर आज भी लोगों की पहली चॉइस बैकएंड डेवलपर की जावा है। सेकंड नंबर पे आपका .NET है, थर्ड नंबर पे पाइथन है, और फोर्थ नंबर पे Node.js आता है, फिफ्थ नंबर पे रूबी ऑन रेल्स है। तो ये 5 में से कोई भी यदि आपको बैकएंड डेवलपर्स बनना है स्पेशली वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो 5ों में से कोई भी टेक्नोलॉजी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको बैकएंड डेवलपर्स देखो पूरा लॉजिक वाला काम है, इसमें कोई डिजाइनिंग जैसा काम नहीं है कि सब चीजें आपको गूगल में मिल जाएगा, आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। बैकएंड डेवलपर के बहुत सारे लॉजिक आपको गूगल में क्या कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको अपने ब्रेन से ही लगाने होंगे। तो इसलिए बैकएंड डेवलपर का जो लॉजिकल स्किल्स है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बैकएंड डेवलपर्स के लिए पहले आपको लॉजिक बिल्डिंग पे काम करने के लिए उसका जो कोर प्रोग्रामिंग वो बहुत अच्छे से सीखना होगा। जैसे मान लो मैं जावा की बात करूं तो जावा के अंदर जावा कोर आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा। यदि आप .NET कर रहे हैं तो .NET के अंदर आपको C# बहुत अच्छे से सीखना होगा। ठीक है, यदि आप Node.js की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको JavaScript बहुत अच्छे से सीखना होगा। यदि आप पाइथन कर रहे हैं तो पाइथन कोर अच्छे से सीखना होगा। ठीक है, रूबी ऑन रेल्स यदि आप कर रहे हैं तो रूबी लैंग्वेज को भी बहुत अच्छे से आपको सीखना होगा। इस तरीके से आपको कोर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सीखना होगा। इसके बाद फिर क्या है? ठीक है, कोर प्रोग्रामिंग से काम चल जाएगा। कोर प्रोग्रामिंग के बाद नेक्स्ट आपका जो आता है दैट इज द पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क। बैकएंड के अंदर देखो कोर प्रोग्रामिंग से काम नहीं चलेगा, आपको हर लैंग्वेज का अपना एक फ्रेमवर्क होता है। जैसे जावा के अंदर स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी और हाइबरनेट, ये तीन चीजें आप जावा में पढ़ लीजिए। ठीक है, इससे आपको जावा बैकएंड डेवलपर्स बनने में बहुत हेल्प मिलेगा, और जावा बैकएंड डेवलपर में यही यूज होगा। यदि आप पाइथन के थ्रू बैकएंड डेवलपर्स में जाना चाहते हैं तो आप जैंगो फ्रेमवर्क पढ़ लीजिए। जैंगो फ्रेमवर्क पाइथन का एक सुप्रीम फ्रेमवर्क है। जैंगो फ्रेमवर्क आपने सीख लिया ना तो दुनिया का कोई भी फ्रेमवर्क आप सीख सकते हो। आपको कोई जैसे फ्लास्क सीखना है, बहुत सारे फ्रेमवर्क है, जैंगो से ज्यादा बेटर फ्रेमवर्क पाइथन में कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको ये क्लियरिफाई कर रहा हूं
इस वीडियो के माध्यम से कि क्या फ्रेमवर्क आपको सीखना चाहिए, क्योंकि इतने सारे फ्रेमवर्क आ चुके हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, थर्ड में डॉटनेट में इतना सारा कंटेंट है कि डॉटनेट का कंटेंट यदि कोई मतलब आप लाइफ टाइम पूरा नहीं कर सकते, इतना कंटेंट डॉटनेट में। डॉटनेट के लिए तो बहुत कंफ्यूजन है कि डॉटनेट में बैकएंड में क्या सीखा जाए। तो डॉटनेट के अंदर यदि आपको बैकएंड में सीखना है तो सबसे बेस्ट है आपके लिए डॉटनेट कोर, ASP.NET Core MVC। ये बैकएंड के लिए फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है, ये आप सीखिए, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसमें थोड़ा सा आपको एंटिटी फ्रेमवर्क और API भी थोड़ा बहुत सीखना होगा। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ रेल्स, रूबी ऑन रेल्स। तो रेल्स तो अपने आप में एक फ्रेमवर्क ही है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क को आप सीख सकते हैं। नोड जेएस जो है आपकी एक लाइब्रेरी, ये भी बैकएंड के लिए यूज होती है। पर नोड जेएस जो होता है वो सेलेक्टिव डेटाबेस पे ही काम कर रही है, सभी डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करती। तो नोड जेएस जो है परफॉर्मेंस बेस में भी देखा जाए तो नोड जेएस बेटर है। और अभी जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है, यदि मैं मॉडर्न सिनेरियो की बात करूं तो नोड जेएस की डिमांड बहुत है। ये जो टॉप 5 बैकएंड टेक्नोलॉजी मैंने बताया, आप इसको बिल्कुल अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसमें से आप अपने स्किल के बेसिस पे, यदि आपको बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप बहुत लेबोरियस हो, आप बहुत टाइम दे सकते हो, आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है, आपको थोड़ा सा साल भर भी लग जाए प्रिपरेशन में तब भी कोई हेडेक नहीं है, आपके पास इतना मनी बैकअप है, ठीक है, कोई पारिवारिक मजबूरी नहीं है, तो आप जावा कर सकते। देखो जावा में समय तो लगेगा, जावा में यदि आप बोलोगे, जो भी ट्रेनिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट या कोई भी यूट्यूब चैनल यदि बोलेगा कि जावा हम 2 महीने में सिखा देंगे, 3 महीने में सिखा देंगे, तो ये मिथ है। ठीक है, मिनिमम आपको 4 से 6 महीने तो आपको एक बेसिक लेवल का जावा सीखने में लगेगा, और यदि आप पूरा कॉर्पोरेट जावा सीखते हैं तो 6 से लेकर 9 महीने तक का समय तो आपको लगने वाला है। तो जावा के लिए टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, वैसे ही आपका जावा का दूसरा सगा भाई कौन है, डॉटनेट है। दोनों में बिल्कुल बराबर टाइम लगेगा, जावा में जितना टाइम लग रहा है उतना डॉटनेट में भी लग रहा है, क्योंकि जावा और डॉटनेट के अंदर जो टाइम फ्रेम है सेम है। कम समय में आपको सीखना है तो आप पाइथन सीख सकते हो, 4 महीने के अंदर पाइथन आपको प्रिपेयर करके दे देगा। ठीक है, कम समय में आप नोड.js सीख सकते हो, रूबी ऑन रेल्स सीख सकते हो। ठीक है, तो यदि आपको जावा डॉटनेट में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि जावा .NET थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी भी है, तो आप अपने माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप 5ों में से कोई सा भी बैकएंड आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बैकएंड के दूसरे ऑप्शन पे, दैट इज कॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन एक्चुअली इसके अंदर भी बैकएंड प्रोग्रामिंग होती है। आप ये मत सोचो कि मोबाइल में जो आपको दिख रहा है बस वही प्रोग्रामिंग, जो आपको दिख रहा है ना मोबाइल में वो आपका फ्रंट एंड है, वो तो बहुत आसानी से बन जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको फ्रंट एंड देखोगे मोबाइल एप्लीकेशन का, रिएक्ट नेटिव का देख लो आप, चाहे का देख लो आप, चाहे एंड्रॉइड नेटिव का देख लो आप, चाहे iOS का देख लो, इनका जो UI बनाना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ये सब रेडीमेड देते हैं। मेन जो टास्क है उसका API डेवलपमेंट, और API डेवलपमेंट ना तो iOS में होता है, ना तो एंड्रॉइड में होता है, ना तो फ्लटर के अंदर होता है, ना ही रिएक्ट नेटिव में होता है। फिर आप सोचोगे फिर ये मोबाइल टेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रंट एंड के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनका जो मेन कोड होता है, जो हार्ट होता है, वो क्या होता है आपका बैकएंड या API बोलते हैं। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसका मेन काम ये होता है कि सर्वर के अंदर का जो भी आपका कंटेंट है उसको मोबाइल प्लेटफॉर्म के अंदर क्या करेगा, वो लेकर के आएगा और मोबाइल प्लेटफॉर्म के अंदर का कंटेंट को सर्वर पे पोस्ट कराएगा। मतलब सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पांस को हैंडल करने के लिए क्या यूज करते हैं, API यूज करते हैं। तो मोबाइल के लिए सबसे बेटर API क्रिएट करने के लिए भी Node.js नंबर 1 पोजीशन पे। यदि आप मोबाइल डोमेन में जाना चाहते हो या बैकएंड प्रोग्रामर, तो आप Node.js बहुत अच्छे से सीखिए। दूसरा आपका भी पाइथन Django बहुत चल रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप जावा तो सीख ही सकते हैं, चौथा .NET भी बैकएंड के अंदर है। ये 4 आपके जो बैकएंड के अंदर के जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये टेक्नोलॉजीज आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और PHP 5वें नंबर पे PHP आता है, PHP का भी बहुत अच्छा बहुत रोल है। ठीक है, PHP प्रोग्रामिंग का भी मोबाइल वेब API या मोबाइल API डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, अब मैं तीसरा जो आपका सेगमेंट है, जो अभी बहुत थोड़ा सा कम हो गया मार्केट, पहले तो मार्केट बहुत ज्यादा था लेकिन अभी थोड़ा सा कम मार्केट है, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकएंड डेवलपर। पर आप बिल्कुल अपने दिमाग में ऐसा मिथ मत लाइए कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनना बंद हो चुकी है। यदि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनना बंद हो जाएगा ना, तो आपका OS भी बंद हो जाएगा, और यदि आपका OS बंद हो गया तो फिर आप क्या करोगे, आप सोचिए। ठीक है, यदि आपके विंडोज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा तो आप जावा चला पाएंगे क्या, आप .NET चला पाएंगे, आप कोई सी टेक्नोलॉजी नहीं चला सकते। तो इंपॉर्टेंट वाइज यदि देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक्चुअली, अब आप सोचोगे कि फिर हायरिंग कम क्यों होती है, क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रोडक्ट होता है, और आपको पता है कि प्रोडक्ट में एक बार बनने के बाद उसके अंदर रीडेवलपमेंट होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको नया नया फीचर्स इतना ज्यादा आपको एक्सटेंड नहीं करना होता। तो सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट बेस्ड जो फर्म होते हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड जो भी कोई भी एप्लीकेशन होता है, तो उसके अंदर हायरिंग कम होने का रीजन यही है क्योंकि उसमें वन टाइम में ही क्रिएट हो जाता है, और फिर उसमें मेंटेनेंस वाली टीम मतलब सपोर्ट टीम की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के पास सपोर्ट टीम में लोग ज्यादा है, माइक्रोसॉफ्ट के पास डेवलपमेंट टीम में लोग कम है, गूगल के अंदर भी सपोर्ट टीम में लोग ज्यादा मिलेंगे, गूगल के अंदर डेवलपमेंट टीम में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ज्यादा काम करें, हालांकि आजकल वेब के अंदर भी प्रोडक्ट बन रहा है, मोबाइल के अंदर बन रहा है, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन जो है
जैसे मान लो आपको जावा का डेवलपमेंट करना है, आप जावा के डेवलपमेंट के लिए आप एक्लिप्स यूज करते हो, तो एक्लिप्स किस में बना हुआ है, एक्लिप्स है क्या, डेस्कटॉप है, यहाँ तक कि ब्राउजर, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है ब्राउजर वेब एप्लीकेशन है, ब्राउजर अपने आप में एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, वो भले वेब पेज को ओपन करता है लेकिन है तो वो डेस्कटॉप ना, आपको ब्राउजर का सेटअप आप डाउनलोड करके अपने मशीन में इंस्टॉल करते हो, गूगल क्रोम फायरफॉक्स, तो ये क्या है आपका डेस्कटॉप वर्जन। तो डेस्कटॉप के लिए बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए सबसे नंबर वन पोजीशन पर भी चल रहा है C++। तो जितने भी डेस्कटॉप बेस्ड या एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कंपनी है वो C++ डेवलपर्स को हायर कर रही है। सेकंड नंबर पे आपका जावा है, ठीक है, जावा का भी बहुत डिमांड है डेस्कटॉप के अंदर, पाइथन का भी थोड़ा बहुत यूज हो रहा है, पाइथन के अंदर की भी डिमांड डेस्कटॉप के अंदर होती है, ठीक है। साथ में आपका वो लैंग्वेज भी है, गूगल ने डेवलप किया हुआ है, इसका भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, साथ में आपका ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग, इनके अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और डॉटनेट तो विंडोज के लिए नंबर वन पोजीशन पे, मतलब विंडोज के अंदर कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन यदि आपको बनाना है तो डॉटनेट को तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैं इवन ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका यूजर इंटरफेस दिखता है ये पूरा डॉटनेट में बना हो। तो इस तरीके से बैकएंड प्रोग्रामिंग में आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि बैकएंड का मतलब सिर्फ वेब प्रोग्रामिंग ही होता है, बैकएंड में तीन तरीके, तीन अलग अलग टाइप के डिवीजन, फर्स्ट आपका क्या है डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग, सेकंड नंबर पे मोबाइल प्रोग्रामिंग, थर्ड नंबर पे वेब प्रोग्रामिंग, आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो। मींस आप ये समझिए कि वेब प्लेटफॉर्म, मोबाइल प्लेटफॉर्म और डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म, ये तीनों प्लेटफॉर्म के लिए बैकएंड डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो बैकएंड डेवलपर्स को कोडिंग कितना सीखना चाहिए, कोडिंग पूरा ही सीखना चाहिए, 100% आपको कोडिंग इसमें 100% है, ठीक है, कोडिंग से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा बैकएंड डेवलपर्स में, पूरा लॉजिक वाला पार्ट होता है। साथ में बैकएंड डेवलपर्स को डेटाबेस का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस में आप SQL अच्छे सीखिए, PL SQL पार्ट अच्छे सीखिए, PL SQL में प्रोसीजर्स, कर्सर्स, ट्रिगर्स ये भी आप सीख सकते हैं, SQL के अंदर आप ज्वाइन सीख सकते हैं, ऑपरेटर सीख सकते हैं, व्यूज सीख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप कोई भी डेटाबेस पैकेज ले सकते हैं, जैसे मैं बात करूं आपका कि MySQL सबसे बेस्ट है, PostgreSQL का भी यूज कर सकते हैं, तो डेटाबेस का पार्ट भी होना चाहिए। साथ में बैकएंड डेवलपर्स को थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट का आइडिया भी होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट इन द सेंस कि आपको प्रोजेक्ट को यदि लाइव करना है तो प्रोजेक्ट को लाइव कैसे करते हैं, कौन कौन से सर्वर होते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन सर्वर का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको वेब सर्वर के बारे में भी पता होना चाहिए, ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं, यदि आपको ये एक्स्ट्रा स्किल्स यदि आप रेज्यूमे में मेंशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा का पूरा एक रोड मैप आपको बताया या पूरे के पूरे कंटेंट मैंने आपको डिस्कस किया कि बैकएंड डेवलपर्स की क्या इंपॉर्टेंसी है और बैकएंड डेवलपर्स के लिए क्या क्या सीखना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ जॉब के बारे में कि बैकएंड डेवलपर्स की जॉब कितनी है। तो सबसे ज्यादा जॉब यदि किसी भी इंडस्ट्री में है तो वो है बैकएंड डेवलपर्स। प्रोग्रामर की नीड सबको है, प्रोग्रामिंग ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे प्रोग्रामिंग की नीड ना हो। मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर भी 80% जो है बैकएंड डेवलपर्स हायर होते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म में 100% बैकएंड डेवलपर है, वहाँ तो फ्रंट एंड वाले को मतलब ही नहीं है, बैकएंड ही बैकएंड चलता है डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग के अंदर। और वेब प्रोग्रामिंग में आपका 50% जॉब जो है एटलीस्ट किसके लिए होता है, बैकएंड डेवलपर्स के लिए होता है। देखा जाए तो बैकएंड डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा वैकेंसीज बैकएंड डेवलपर्स की ही निकल गई। ओके, थैंक यू।